लंबे समय के अंतराल के बाद पर्यटकों के लिए जिला कला संग्रहालय के दरवाजे खुल गए हैं। कांगड़ा में जिला कला संग्रहालय के अंदर रखी हिमाचल की संस्कृति व 19वीं शताब्दी की धरोहर को संजो कर रखा गया है। इसमें भारत ही नहीं अपितु चाइना की दुर्लभ वस्तुएं आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। हालांकि कोरोना महामारी के चलते जिला कला संग्रहालय को बंद रखा गया था, जैसे ही कोरोना की बंदिशें कम हुई म्यूजियम को खोल दिया गया है। कला संग्रहालय के खुलने के बाद बाहरी राज्यों व देश प्रदेश से पर्यटक म्यूजियम पहुंच रहे हैं। जिला कला संग्रहालय प्रशासन की माने तो कला संग्रहालय में रखी गई 19वीं शताब्दी की वस्तुएं पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। इतना ही नहीं, दिन में 25 से 30 पर्यटक संग्रहालय में 19वीं शताब्दी की वस्तुओं को देखने ही पहुंच रहे हैं। मेरा नाम विनीत कुमार गोयल। कहाँ से आया? जिला बिलेंसर, गाँव डावर पड़ता है, वहाँ पर। अच्छा। घूमने के लिए, हिमाचल के लिए, अपने देखने के लिए घूमने आते हैं, इसलिए। नहीं नहीं ये तो हमें बताया गया था, अब खुल गया है, तो जब आ गई न्यूज में आती है तो हम जब चले थे वहाँ से देख के ऑनलाइन पर, जब चलते थे बहुत बढ़िया लगी थी हमें, सुविधा बहुत बढ़िया थी। आपने यहाँ क्या क्या देखा हिमाचल? यहाँ पर हमने सब कुछ अच्छा लग रहा है, देखने वाली चीज़ें यहाँ पर, जो आना चाहे तो देख सकता है आराम से। देखो प्रशासन तो अपना हमें बढ़िया लग रहा है, प्रशासन भी बढ़िया है यहाँ का, हर चीज़ का चेक पोस्ट है, तुम्हारे देखने हर चीज़ का वो है। मैम अमित अग्रवाल नाम है, हम ग्रेटर नोएडा से आए, यूपी से। म्यूजियम हमने यूट्यूब पर देखते थे, जैसे हिमाचल घूमने की हम वीडियो, तो हमें इसके बारे में, जब म्यूजियम के बारे में उससे पता पड़ा था, तो हम इसको स्पेशली देखना चाहते थे हम। अच्छा, मतलब यूपी से स्पेशल देखने आए जी। और कौन आया आपके साथ? ये मेरी वाइफ है और मेरी फैमिली है सब। मैम देखेंगे, अभी पसंद आ जाएगी तो ले जाएंगे। सर एक्चुअली यहाँ पर आने के लिए गवर्नमेंट प्रशासन की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, सभी लोग आ सकते हैं आराम से, प्रशासन पूरी मदद करता है आपके लिए, एंट्री करने पर कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। मैं चाहता हूँ सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा घूमने के लिए आए। नहीं मैम एक लगी है अभी, फर्स्ट लगी है अभी, दूसरी का 17 तारीख का टाइम है आपको। तो जब हमने एंट्री किया था उन्होंने ई पास बनवाया था, बोले आप ई पास बना लीजिए अपना, बाकी कोई दिक्कत नहीं। बाकी यहाँ प्रशासन की या शासन की तरफ से कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं किसी भी टूरिस्ट के लिए। जिला कला संग्रहालय की अधिकारी रितु मनकोटिया ने बताया कि सरकार द्वारा दिए गए कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से यहाँ निर्वहन किया जा रहा है। ये जून में खुल गए थे, 15 जून से म्यूजियम खोल दिए गए थे, और पहले तो काफ़ी टूरिस्ट रहते थे, अब कोविड के बाद से जैसे ये इंस्ट्रक्शन आई हैं तो आ रहे हैं टूरिस्ट, पर कम है, कम मात्रा में, 20-25 के करीब आते हैं। ये 50 रुपीज़ है इंडियन के लिए और 150 फॉरनर के लिए। जितने भी टूरिस्ट आ रहे हैं उनको हमने हिदायत दे दी हुई है कि बिना मास्क के कोई भी अंदर एंटर नहीं करेंगे और ग्रुप्स में नहीं जाएंगे, एक एक दो दो को हम भेज रहे हैं अंदर। इसमें जो मेन पेंटिंग्स हैं वो कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग्स हैं, और बाकी संग्रहालय में जितनी भी हिमाचल की संस्कृति है उसको हमने हाईलाइट किया हुआ है। अब मैडम हमारा ग्राउंड फ्लोर का काम चल रहा है इसका रेनोवेशन का, तो जितना भी हमारा मटेरियल होगा वो हमारी यही कोशिश है कि उसको हमने डिस्प्ले पे लेके आना है, क्योंकि अभी काफ़ी जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो अभी हमने डिस्प्ले पे नहीं रखे हुए हैं, क्योंकि गैलरीज कम हैं और उसकी वजह से काम, मतलब डिस्प्ले पे नहीं रख पाए हम ये चीज़ें। आपको बता दें कि कला संग्रहालय में 19वीं शताब्दी की भगवद गीता, कांगड़ा युगल पारंपरिक वेशभूषा, तिब्बती युगल पारंपरिक वेशभूषा, गद्दी युगल पारंपरिक वेशभूषा व कांगड़ा जिला की पुरानी चित्रकारी भी स्थापित की गई है, जो कि वर्तमान समय में आकर्षण का केंद्र बनी हुई है।